अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। केकेडी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन खास क्यों है और क्या है इसका इतिहास, और हर साल की तरह इस बार कैसे होगा देश की आजादी का जश्न, हम दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। भगत सिंह, व्यक्तियों को कुचलकर वो विचारों को नहीं मार सकते। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रामप्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन नामों से और इन स्लोगन से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज हम सबके लिए और इस देश के लिए एक गौरव भरा दिन है। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे अपने आजादी के नायकों, त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। इस दिन को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस साल स्वतंत्रता दिवस को जोर शोर से मनाने की तैयारी थी, लेकिन आजादी के 75 साल पूरा होने पर भी कई लोगों ने इस बात का कंफ्यूजन बना हुआ था कि हम इस साल 75वां या 76वां कौन सा स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम इसी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इस दिन का इतिहास बता देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आजादी लेने में 200 साल से अधिक का समय लग गया था। इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं। 75वां या 76वां स्वतंत्रता दिवस। आजाद भारत का इस साल 76वां स्वतंत्रता दिवस है। क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी कारण वर्षगांठ 75वीं होगी। पहली बार 15 अगस्त सन 1947 को देश के आजाद होने पर झंडा फहराया गया था। तकनीकी रूप से देश का पहला स्वतंत्रता दिवस इसी दिन था। इसके बाद 15 अगस्त 1948 को भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस और आजादी की पहली वर्षगांठ थी। इस हिसाब से 15 अगस्त 2022 को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस है। इस साल खास है स्वतंत्रता दिवस। आजादी का त्योहार हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये दिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हासिल उपलब्धियों के जश्न को मनाने का दिन है। इस साल भी समूचा भारत आजादी का जश्न मना रहा है। सब कुछ न्योछावर करने वाली सौगंध दिखाने की भी तत्परता इस बार लोगों में खूब देखने को मिल रही है। इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस कारण भारत का ये राष्ट्रीय त्योहार और भी खास हो गया। इस बार क्या कुछ है नया। हिमाचल के कुल्लू में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की श्रृंखला में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। प्रत्येक घर को झंडा उपलब्ध करवाने के लिए डीसी ने खंड और पंचायत स्तर पर समितियों का गठन भी किया है। डीसी आशुतोष गर्ग ने जिले के सभी एसडीएम, बीडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडा वितरण को लेकर विस्तार पूर्व चर्चा भी की थी और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे।
तिरंगा प्राप्त करने और आवंटन के लिए बीडीओ को बतौर नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जो तिरंगा विकास खंड की समस्त ग्राम पंचायतों में परिवार रजिस्टर के मुताबिक भेजा गया। समितियों में महिलाएं, युवा मंडलों, स्वयं सहायता समूहों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल को भी शामिल किया गया था। पंचायत स्तर पर तिरंगा आवंटन के लिए समिति का गठन। डीसी ने इस मौके पर कहा था कि पंचायत स्तर पर तिरंगा आवंटन के लिए समिति का गठन किया गया है और ये समिति पंचायत में सभी घरों और परिवारों को तिरंगे का आवंटन सुनिश्चित करेगी। इस कार्य से संबंधित लेखा जोखा और अन्य अभिलेख को पंचायत सचिव रखेगा। ग्राम पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति में पंचायत सचिव सदस्य सचिव के कार्य का निर्वहन करेगा, जबकि समस्त पंचायत सदस्य, प्रधान महिला मंडल, प्रधान युवक मंडल, स्वयं सहायक समूह, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नजदीकी पाठशालाओं के प्रभारी समिति के सदस्य रहे थे। ऐसे चलेगा कार्यक्रम। डीसी आशुतोष गर्ग ने सभी समितियों को निर्देश जारी किए थे कि तिरंगा सभी घरों में 13 अगस्त से पहले उपलब्ध हो जाना चाहिए। जिले स्तर पर माप के हिसाब से तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। 20x30 इंच के झंडे की मांग 25% की बताई जा रही है, वहीं 16x24 इंच की मांग 50% और 6x9 झंडे की मांग 25% की निश्चित की गई थी। इन तिरंगों की कीमत 9 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की रखी गई थी। सभी खंड विकास अधिकारियों को परिवार रजिस्टर के अनुसार तिरंगे की माल जल्द जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को भेजने को कहा गया था और उसी के चलते आज सभी घरों पर झंडा लहरा रहा है। डीसी नोडल अधिकारियों को 11 से 15 अगस्त तक प्रत्येक पंचायत में पंचायत सदस्यों, महिला और युवा मंडल तथा अन्य स्थानीय नागरिकों के सहयोग से प्रभात फेरी के निर्देश जारी किए गए थे और यही वजह है कि आज देश के हर घर पर झंडा लहरा रहा है।